Hi, welcome back to Sevi Diaries. So today we are going to the end of this beach. Tum log last year jab aaye the tab humne decide kiya tha that we'll come to this point and we'll see the sunset. Aaj hum log ja rahe hain and we'll show you sunset from there. Jahan hum log aaj jaane wale hain. Last year we decided that we'll come to this particular island और हम यहाँ से sunset देखेंगे क्योंकि जब हम लोग last year आए थे we stayed at Amma Vilas by Taj तो हमने वहाँ पर hike करके थोड़ा सा ऊपर जाके हमने sunset देखा था and then we saw this beach from that side of the river तो हमने सोचा था कि हम इधर आके फिर हम लोग जाएंगे sunset देखने के लिए So we have reached the last point of this beach और आज विराज बहुत excited है. He is walking along with me and he is observing the birds. So this is what I was talking about. सामने बेतुल lighthouse है और उधर सामने एक चर्च भी है. So we have been to these places. हमने last year बेतुल lighthouse से बहुत सुंदर sunset देखा था. तो आपको sunset देखने हैं तो आप गोवा आइए. और सबसे ब्यूटीफुल सनसेट हम आपको आज दिखाने वाले हैं दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी सीनिक और बहुत लेस एक्सप्लोर्ड है तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं इस जगह के बारे में बट आई होप हमारा ये ब्लॉग देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि सबसे सुंदर जगह क्या है गोवा में सो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर साल एंड इंडियन ओशन और आपको यहां से गोवा का सबसे ज्यादा खूबसूरत सनसेट दिखने वाला है सो जस्ट कीप वॉचिंग So this is the end of the stretch of the beach, जो कि longest beach है I think गोवा में. So if you get
टू स्पेंड टाइम हियर इन गोवा, आप यहाँ जरूर आइए. एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा. सो दैट्स फिशरमैन्स बोट. और आपको यहाँ से बेतुल लाइट हाउस दिखेगा. देयर इज होली क्रॉस चैपल ऑल्सो जहाँ हम लोग लास्ट टाइम गए थे. एंड यू विल गेट टू सी ब्यूटिफुल सनसेट फ्रॉम हियर. तो ये कॉन्फ्लुएंस है रिवर का और ओशन का यहाँ पर. सो ब्यूटिफुल कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं. सो यू कैन सी बेतुल लाइट हाउस देयर एंड दैट्स होली क्रॉस चैपल ओवर देयर. तो हम लोग यहाँ पर जब भी आए हैं गोवा, आई थिंक वी हैव बीन टू गो दीज प्लेसेस. हम लोग हमेशा गए हैं यहाँ पर. एंड देयर इज वन टेम्पल राइट देयर, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम आए थे वी स्टेड एट अम्मा विलास एज आई सेड. और हम लोग पूरा हाइक करके पूरा ट्रैक करके ऊपर तक गए थे सुंदर से सनसेट को देखने के लिए. और उन्होंने बताया था, हमने उसी वक्त देख लिया था इस बीच को. तो वी आर हियर. विराज तो मैं और विराज यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं और विवेक इज ट्राइंग टू कैप्चर एज मच एज ही कैन फ्रॉम दिस प्लेस. क्योंकि हम जब लास्ट टाइम यहाँ पर आना चाहते थे तो पीपल यूज टू सेंड अस टू एसोलना कैलोसिन ब्रिज. तो हमने वहाँ से बहुत सुंदर सनसेट के शॉट्स लिए हैं. वी हैव रियली कैप्चर सनसेट ब्यूटिफुल फ्रॉम देयर ऑल्सो. और इस बार हम लोग आ गए क्योंकि वी आर स्टेइंग हियर ओनली क्लोज बाय. तो वी फाउंड अ पाथ स्टिल हियर. तो ये बेतुल बीच है. तो हम लोग जब भी बेतुल बीच के लिए आना चाहते थे हमें बेतुल फोर्ट पहुंचा दिया जाता था. एज आई सेड कि एसोलना कैबलसन ब्रिज पहुंचा दिया जाता था. सो इफ यू वांट टू कैप्चर ब्यूटीफुल सनसेट्स ईदर यू शुड गो टू एसोलना कैबलसन ब्रिज या फिर आप यहां पर आइए. सो गेट टू सी ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ गोवा. जब भी आप बीच पर हो और आपने कहीं लंबा वॉक कर लिया है बीच पर, तो वेरी केयरफुल वाइल गोइंग बैक स्पेशली इन द इवनिंग. और जब भी फुल मून के आसपास, क्योंकि जो टाइड्स होती हैं वो हाई टाइड हो जाती हैं एंड इट्स रियली डिफिकल्ट
टू क्रॉस या दोबारा अपनी जगह पहुंचने के लिए, तो आप पूरा चेक करके रखिए कि आपको टाइट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, विल यू बी एबल टू रीच सेफली टू योर प्लेस और नॉट. सो यू कैन सी बेतुल लाइट हाउस राइट देयर एंड दैट होली क्रॉस चैपल देयर. तो सनसेट होना स्टार्ट हो चुका है एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट राइट देयर. तो हम लोग लास्ट में बिल्कुल उधर ही थे, मतलब उस जो आपको जो कोकोनट ट्री दिख रहा है वहाँ पर, यू वर राइट देयर. और आज हम लोग यहाँ पर हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. आज सनसेट शायद इसलिए भी इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स देयर. तो आज के जो कलर्स हैं दे आर रियली ब्यूटीफुल. हमने ऐसा सनसेट नहीं देखा है, मतलब ऑल सनसेट्स आर ब्यूटीफुल but this is one of the most beautiful sunset we have ever seen. और ये जो सीन है ऐसा लगता है किसी सीनरी में से लिया गया है. सो ब्यूटिफुल, आपको वहाँ पर बोट दिख रही है, देयर इज कोकोनट ट्री राइट देयर एंड सन इज सेटिंग. सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल picture video which we have captured till now. So now it's time to go back to our hotel. So ये पूरा आपको बीच पर इस तरीके से आपको दिखेंगी जो यहाँ पे shacks हैं. So you can have dinner here also, और नहीं तो आप अपने होटल में जाके डिनर करिए. It's a beautiful hotel here. So again one more day spent here in Goa. So thank you for watching, and if you have any questions you can ask us, we'll be happy to answer all your questions. Thank you.